तो सब आने के मतलब क्या हो? देखो हम लोग लास्ट में है ना एच बॉन्ड पढ़ रहे थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो अभी तक हम लोग सीखे थे एकदम सिंपल सिंपल, इसको जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। डायपोल आपको डायपोल तक लेके जाना है। हम लोग ये सीखे थे कि एक हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा और ये जुड़ा रहेगा एक हाइड्रोजन से, करेक्ट ना, ये जुड़ा रहेगा एक हाइड्रोजन से। फिर उसके बाद हमारे पास एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। अच्छा, इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में फ्लोरीन था, ऑक्सीजन था और नाइट्रोजन, याद है ना। फिर हमारे पास क्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन करके ही एलिमेंट रहेगा और ये भी आगे जुड़ा रहेगा किसी से, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं। हमको मतलब है हाइड्रोजन और इसके बीच का जो बॉन्ड बनता है उससे, एक ऐसा हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन क्लोरीन या नाइट्रोजन से जुड़ा हो और फिर दूसरे एटम या ग्रुप के अंदर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उनके बीच का जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बनता है उसको एच बॉन्ड कहते हैं। याद है, ठीक है। तो ये था हम लोग का एच बॉन्ड। आप याद करो लास्ट आप पढ़े थे ये दो तरह का होता है, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरा क्या होता है इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर। आवाज आ रही तुम लोगों को मेरी? सर लो आ रहा है सर। अभी आ रहा है किसके? हाँ सर, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। चलिए अब हम लोग इस पे काम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हम लोग पहले पिछले दिन पढ़ चुके हैं, ओके। इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड के अंदर दो अलग अलग मॉलिक्यूल होगा जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होके उनके बीच एच बॉन्ड बनेगा। दो अलग अलग मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, दूसरे मॉलिक्यूल का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में आप यहाँ पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं घूमेंगे, केवल तीन एलिमेंट पे ही आप फोकस रहेंगे, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है। अगर हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। अगर हमारे पास HF एक मॉलिक्यूल है, फिर HF एक मॉलिक्यूल है और फिर HF एक मॉलिक्यूल है एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ठीक है। सुनना, समझ, एक मॉलिक्यूल का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, इनके बीच जो बॉन्ड बना उसको हम लोग कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। एक मॉलिक्यूल का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, दूसरे मॉलिक्यूल का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हाइड्रोजन, इनके बीच जो बॉन्ड बना दिस इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। हमेशा ध्यान रखना कि ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच बनता है, फॉर्म बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच का एच बॉन्ड है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच का एच बॉन्ड, ठीक है। अब देखो अगर ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच का एच बॉन्ड है तो ये मॉलिक्यूल्स को बांध देगा। मॉलिक्यूल्स अगर बंध गया तो उसको बॉइल करना मुश्किल है। बॉइलिंग मतलब क्या होता है? लिक्विड से वेपर में बदलना। जब मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गया है तो उसको अगर आप बॉइल कीजिएगा, लिक्विड से वेपर में बदलेगा, तो आपको हाई टेम्परेचर का जरूरत पड़ेगा। जब तक आप हाई टेम्परेचर नहीं देंगे उसका बॉन्ड टूटेगा नहीं, वो लिक्विड से वेपर फेज में जाएगा नहीं। समझ में आ रहा? तो इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड अगर किसी के पास बना तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, HF का बॉइलिंग पॉइंट, इन सब का बॉइलिंग पॉइंट, NH3 का बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन टू उसी ग्रुप का दूसरा जो मेंबर है उससे ज्यादा होता है, ठीक है। सर क्या हम ये बोल रहे हैं? इसकी वजह से, ड्यू टू दिस,
देन H2S, H2S देखो सल्फर और ऑक्सीजन एक ही परिवार का है, ग्रुप का, फैमिली का, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेनियम पोलोनियम, ये पांचों अपना ग्रुप 16 मेंबर, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेनियम पोलोनियम, ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर एक ही फैमिली का, लेकिन H2O का वॉल्यूम पॉइंट ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है। सिमिलरली HF का है हायर वॉल्यूम पॉइंट देन HCl, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, HF में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बनता है, इससे वॉल्यूम पॉइंट बढ़ जाता है। NH3 हैव हायर वॉल्यूम पॉइंट देन PH3, नाइट्रोजन का फैमिली ग्रुप 15, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ठीक है, तो नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, NH3 में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है, PH3 में नहीं, वॉल्यूम पॉइंट कम, क्या यहां समझ में आ रहा, सब कुछ हो रहा क्या? तो इस तरह का क्वेश्चन सी होगा। और इसमें अगर तुम बात और उठाओ तो ऐसा भी है, ऐसा भी है कि H2O है हायर वॉल्यूम पॉइंट देन HF। अब यहां स्टूडेंट कंफ्यूज, सर अब ये क्या करें, देख वाटर जब आप लीजिए ना तो वहां एक ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन, मतलब वहां दो हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड से एक दूसरे को जोड़े, लेकिन HF में तो वाटर में कितना है, दो है, इसलिए H2O है हायर बॉइलिंग पॉइंट देन HF ड्यू टू मोर नंबर ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड्स, ड्यू टू मोर नंबर ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड्स, ठीक है, ज्यादा नंबर ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड बनने से है ना, ये हो रहा है। अगला देखो, अगला देखो, ठीक है, एक और देखो, समझो वाटर के अंदर एक एक्सेप्शनल बिहेवियर, वाटर के अंदर एक एक्सेप्शनल बिहेवियर, वाटर का ही सॉलिड स्टेट ऐसा है जिसका डेंसिटी उसके लिक्विड से कम, जनरली क्या होता है सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होता है, इसलिए सॉलिड को फेंकेगा उसी के लिक्विड में डूब जाए, लेकिन पानी के साथ होता है, पानी का सॉलिड मतलब बर्फ, उसको लिक्विड में फेंको फ्लोट किया, मतलब वहां पे क्या है डेंसिटी कम है, कारण क्या होता है ना, आइस है ओपन केज टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है, H bond, O bond, H, 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 ठीक है, ये देखो ये कैसे बनता है, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये उधर जुड़ेगा, ये उधर जुड़ेगा, बस समझ रहे, ये इधर जुड़ेगा, ये इधर जुड़ेगा, ऐसे 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 सब है ना, सब एक दूसरे के साथ मिलते जाएगा, और ये जो बीच का खाली जगह जो बनता है ना, समझ रहे हो, ये बीच का खाली जगह, ये बीच का जो खाली जगह बनता है वो इसको केज डालता, मतलब अंदर में खाली, आप एक बैलून को फेंक दीजिए पानी में नहीं डूबेगा, कारण क्या, अंदर खाली, कोई चीज ना, अंदर में खाली होने से उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, और आपको याद होगा डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ज्यादा होने से डेंसिटी घट जाता है, समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, एक वाटर मॉलिक्यूल कितना एच बॉन्ड बनाता है, चार, चार, दो में वो हाइड्रोजन किसी को देता है और दो में वो किसी का हाइड्रोजन लेता है, अगर आप एक पानी पे, आवाज आ रही उधर, इतना सन्नाटा छाया हुआ, यस सर, गुड, समझ रहे हैं, इस पानी पे ध्यान दो, दो बार दो एच बॉन्ड में ये एच देगा, करेक्ट, और दो एच बॉन्ड में वो किसी दूसरे का एच के साथ बॉन्ड बनाएगा, कुल मिलाकर एक पानी, एक वाटर, चार एच बॉन्ड बनाता है, ये सब क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, फेमस क्वेश्चन, वन वाटर वन एच टू फॉर्म्स फोर एच बॉन्ड्स, एक वाटर जो है वो चार एच बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, एक वाटर जो है वो चार एच बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, क्लियर है, ठीक है, तो
इस तरह का क्वेश्चन जब आपके पास आए समझ जाइए इंटरमॉलिक्यूलर रिस्पॉन्स। अब आपसे एक चीज पूछते हैं, आगे का पहले एक और पॉइंट इसमें जोड़ना है, आप लोग नेल पॉलिश रिमूवर लगा सर एसीटोन, उसके अंदर स्पिरिट होता है जनरल भाषा, ठीक है, वो है ना ज्यादा बोला टाइम लगाइएगा तुरंत उड़ जाए ठंडा ठंडा भी लगा है, तो उसको कहते हैं हाई वोलेटाइल एजेंट, कहीं गिर जाएगा ना ज्यादा साफ सफाई करने जो तुरंत है भाप बन उड़ जाए, ठीक है, उसको कहते हैं वोलेटाइल एजेंट। वोलेटाइल नेचर का मतलब है लिक्विड से अपने वेपर बन को उड़ गया, बताओ तो जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर रिस्पॉन्ड होगा वो ज्यादा वोलेटाइल होगा कि कम वोलेटाइल होगा? कम वोलेटाइल होगा सर, कम होगा। तो जिसमें आप लिखे ना, ठीक है, आप लिखे ना ड्यू टू दिस इतना 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 इतना, आप लिख सकते हैं कि हाई बॉइलिंग पॉइंट लेस वोलेटाइल नेचर, ओके, ड्यू टू दिस हाई बॉइलिंग पॉइंट लेस वोलाटाइल नेचर, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा लेस वोलाटाइल नेचर होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट लेस वोलाटाइल नेचर, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये तरीका है जो हम लोग है ना पूरा का पूरा डिस्कशन करते हैं। कितना आप नोट करें फिर हम लोग ध्यान लगाएंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर रिस्पॉन्ड। सर HCl में H बॉन्ड होता है या नहीं? नहीं H बॉन्ड नहीं है, वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, HCl में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, H बॉन्ड इज आल्सो अ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, H बॉन्ड जो है वो भी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, लेकिन इसमें एक कंडीशन अप्लाई होता है कि आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डेड होना चाहिए, ऑक्सीजन फ्लोरीन और नाइट्रोजन, ये भी एक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, HCl भी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? यस सर। Yes. चलो ठीक है, तुम लोग नोट करना इसको, हम एक बार इंट्रा मॉलिक्यूलर बता दे फिर एक बार में दोनों चीज रहेगा ना तो ज्यादा समझ। बी इंट्रा मॉलिक्यूलर H bond, intramolecular H bond, ठीक है, चलो देखो ध्यान से देखो intramolecular H bond किसके बीच बनता है, तो formed between two groups of same molecule, formed between two groups of same molecule, ठीक है, दो ग्रुप के बीच, एक ही मॉलिक्यूल के दो ग्रुप के बीच, जैसे ये रहा OH, ये रहा N, O डबल बॉन्ड, ठीक है,
ऐसा, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनके बीच बॉन्ड बनता है। क्लियर? एक ही मॉलिक्यूल है, दो अलग अलग ग्रुप के बीच बॉन्ड बना, दिस इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, ठीक है, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड कहलाता है। एक ही मॉलिक्यूल का दो अलग मॉलिक्यूल, बस समझ लो। अभी देखो एक और एग्जांपल दिखाते हैं। CH3 बॉन्ड C O के साथ H है, ये इनके बीच का बॉन्ड, समझ रहे? एक ही, यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन अटैच है और बगल में एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो एक ही एटम का, सॉरी एक ही मॉलिक्यूल का दो, इसको आप इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, ठीक है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड से तुम खुद ही सोचो, क्या दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहा है? नहीं, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो ग्रुप जुड़ रहा है लेकिन मॉलिक्यूल नहीं जुड़ रहा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वोलेटाइल नेचर ज्यादा होता है, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है ड्यू टू दिस इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, ड्यू टू दिस इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, due to this intramolecular H bond, they have high volatile nature and less boiling. इसका volatile nature ज्यादा होता है, boiling point कम होता है, इसका volatile nature ज्यादा होता है, boiling point कम होता है, ठीक है। रीजनिंग क्वेश्चन आपके आपसे पूछा जाता है, एकदम क्वेश्चन याद है, एक्सप्लेन व्हाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट more volatile nature than para nitrophenol। अब सबसे पहले तो आपको यह समझ होगा कि ऑर्थो और पारा होता है, ठीक है। आप जब है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे, आप बेंजीन पढ़ेंगे, हम आपको पहले ऑर्थो पारा समझते हैं, ठीक है, फिर हम उधर बना के देखते हैं। देखिए बेंजीन मतलब समझते हो ना, C6H6। हाँ, वेरी गुड। ऐसा गोल सा होता है कि जानता हूँ। हाँ सर, रेजोनेंस की वजह से। यहाँ पे कोई भी ग्रुप रहा, कोई भी ग्रुप, जैसे यहाँ OH है, फिनॉल है ना OH, तो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में, बिना ग्रुप के ऑर्थोपारा का डिसीजन नहीं होता, ये याद, ठीक है। जैसे तुम कहीं फर्स्ट में खड़े हो, इसके लिए लाइन लगना तो जरूरी है, तब ना फर्स्ट, उसी तरह बिना ग्रुप के ऑर्थो पारा का डिसीजन नहीं होता। मान लो एक ग्रुप लग गया, अब इस ग्रुप के बगल में ऑर्थो, उसके बाद वाला पोजीशन मेटा, इसको लिखते ऑर्थो, ये मेटा, और सबसे नीचे वाला कहलाता है पारा। तो जब बोला ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो ऑर्थो ग्रुप पे नाइट्रो और फिनॉल यहां OH रहेगा, देखा, यह है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, समझ में आ रहा, या नाइट्रो, ऑर्थो पे नाइट्रो और OH लग गया, बेंजीन पे OH रहता तो फिनॉल कहता, ठीक है। अगला है पारा नाइट्रोफिनॉल, यही नाइट्रो उठा गया, पारा पे जाओ, ठीक। तो अब देखो यहां पे इसका क्वेश्चन का आंसर है, जब आप बनाते हैं
जब आप बनाते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, यहां पे OH, यहां पे N के साथ O डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये है हम लोगों का ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। बोलो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड की इंट्रा, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, तो लेस बॉइलिंग पॉइंट, मोर वोलेटाइल, तो सर पारा भी बना दीजिए, बिल्कुल देख लीजिए, यहां OH है, अब नाइट्रो लगा यहां, अब इतना दूर है कि इनके बीच एच बॉन्ड बनेगा ही, ठीक है, तो यहां पे आप चाह के भी ये एच और ये ओ को बीच बॉन्ड नहीं बना सकते, तो क्या होगा, दूसरा मॉलिक्यूल जो इसके अगल बगल में घूमता हुआ बाकी सब होगा उसमें से कोई होगा ना OH वाला, इनके बीच बॉन्ड बनेगा और फिर इसका जो होगा वो अगले के साथ बनेगा, समझ गए। तो यहां अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच है, तो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच है इंटर मॉलिक्यूल, इंटर मॉलिक्यूलर, इसलिए हाई वॉल्यूम पॉइंट या लेस वोलेटाइल, ओके, हाई वॉल्यूम पॉइंट या लेस वोलेटाइल, क्लियर है। तो चीजें इस तरह चलती है, दिस इज ऑल अबाउट योर एच बॉन्ड, क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, हम बोल रहे रहेगा ही रहेगा, ठीक है, चलो नोट करो फटाफट, कोई डाउट हो पूछ लो। देखो जी टैग कॉन्सेप्ट ऑफ डायपो, देखिए एक्चुअली ये फिजिक्स में है ना, जब पढ़ाते हैं 12 का सिलेबस है, ठीक है, चलिए ठीक बोले, 12 का सिलेबस है और लोगों को कम से कम है ना 3 दिन पढ़ाई होता है डायपो, आपको फिजिक्स वाला डायपो है, आपको केमिस्ट्री में जो मॉलिक्यूल जहां हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स बनता है, समझे, पोलर मॉलिक्यूल्स बनता है जहां पोल्स डेवलप होता है, उस डायपोल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो डायपोल का मतलब चार्ज का एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें इक्वल एंड अपोजिट साइन का चार्ज एक स्मॉल डिस्टेंस पे हो, डायपोल का मतलब चार्ज का एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें इक्वल एंड अपोजिट साइन का चार्ज, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, साइन अपोजिट होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एक स्मॉल सेपरेशन पे रखा हो, डिस्टेंस बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप जितना भी मॉलिक्यूल्स लेते हैं, मॉलिक्यूल पे तो ऑलरेडी मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है काफी, दे आर क्लोज, एटम्स आर वेरी क्लोज, तो वैसा अरेंजमेंट जिसमें एक पे प्लस हो दूसरे पे माइनस हो और उनके बीच का डिस्टेंस भी काफी कम हो, उस अरेंजमेंट को डायपोल कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम आपके पास एक पोलर मॉलिक्यूल लेते हैं, आप एक पोलर मॉलिक्यूल लेते हैं H बॉन्ड Cl, H बॉन्ड Cl, H पे प्लस Cl पे माइनस, तो क्या बोलोगे, यहां जितना भी है प्लस चार्ज उतना ही यहां है माइनस चार्ज, उनके बीच एक डिस्टेंस है, देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड डायपोल, ये है हम लोगों का डायपोल, इसको आप कहते हैं डायपोल, समझ में आया, डायपोल। अब जब ये डायपोल है तो डायपोल से रिलेटेड एक टर्म होता है, दिस इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, ठीक है, एकदम आराम से समझ में, दोनों बोर्ड भरेंगे खत्म, ठीक है, बहुत कुछ है सीखने के। डायपोल मोमेंट ये एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, दोनों में से कोई भी एक चार्ज पकड़ो मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है, ठीक है, तो दोनों में से कोई भी चार्ज पकड़ोगे मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा और उनके बीच का सेपरेशन से मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज मैग्नीट्यूड क्यू इनटू डी, क्लियर। अब सर डायरेक्शन, ठीक, डायरेक्शन फिजिक्स और केमिस्ट्री को उल्टा लिया, हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री में उल्टा लिया है, हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे किसमें सीधा है किसमें उल्टा है, इसको पढ़ो तो उल्टा है उसको पढ़ो तो उल्टा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इट्स ओन कन्वेंशन केमिस्ट्री में लिया गया है पॉजिटिव टू नेगेटिव, फिजिक्स में लिया गया है नेगेटिव टू पॉजिटिव,
तो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसका डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये रहा, ठीक है, दिस इज द डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो ये एक वेक्टर, क्लियर। अब सुनो, अगर तुम इसका एसआई यूनिट लोगे तो एसआई यूनिट में सोचो चार्ज के लिए कूलम लिखोगे और डिस्टेंस के लिए मीटर, कूलम मीटर, इसको कहते हैं डिवाई, डी डी वाई, ठीक है, कूलम मीटर। कूलम क्यों आया? चार्ज की जगह पे, और मीटर क्यों आया? डिस्टेंस से। कूलम मीटर, उसको हम लोग शॉर्ट में डिवाई कहते हैं, डी से भी रिप्रेजेंट होता है, डी से एक और चीज रिप्रेजेंट होता है, डायोप्टर, याद है, ठीक है, डायोप्टर पावर का, तो यहां डी डिवाई पूरा लेते हैं, क्लियर। तो अच्छा अच्छा, अगर कहीं सिस्टम में एक से ज्यादा वेक्टर होता तो फिर तुम रिजल्टेंट कैसे लिखते हो? सारे वेक्टर का सम। वही कहानी यहां भी चलेगा, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा डायपोल है। देखिए सर, सर क्या बोल रहे हैं, सब नहीं समझ में आ रहा। देखो मान लो जैसे तुम्हारे पास BF3 है, चलिए ये केमिकल बॉन्डिंग यूज कीजिए, क्या ये हर एंगल 120 डिग्री होगा? बोरॉन पे पॉजिटिव और फ्लोरीन पे माइनस, फ्लोरीन पे माइनस, फ्लोरीन पे माइनस आएगा। इस मॉलिक्यूल में देखो क्या तीन डायपोल है, ठीक है, तीन डायपोल में पॉजिटिव से निगेटिव एक डायपोल, फिर पॉजिटिव से निगेटिव दूसरा डायपोल, और फिर पॉजिटिव से निगेटिव तीसरा डायपोल, और हर डायपोल और हर डायपोल के बीच का एंगल 120 है। तो कोई बोल दिया कि सर इसका है ना नेट डायपोल मोमेंट कितना है, तो म्यू नेट का मतलब यहां होगा वेक्टर भी। अगर तुम बोलोगे तो सर μ1 वेक्टर, μ2 वेक्टर और μ3 वेक्टर का रिजल्टेंट, याद करो तीन वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का 120 डिग्री एंगल पे ओरिएंटेड हो तो रिजल्टेंट जीरो होता है। ये तीनों को लिखिएगा 120 120 120, तो इसका रिजल्टेंट जीरो आता है। तो कहीं भी अगर तुमसे हम, देखो हम यहां का बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी सिस्टम का नेट डायपोल मोमेंट तुम लिखोगे तो जितना भी इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट्स है उन सब का वेक्टर सम करना होगा, जितना भी इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट्स है उन सब का वेक्टर सम करना होगा, क्लियर है, ठीक है। अब इस पे एक से कहानी, चलो इस मॉलिक्यूल को देखा, समझा, क्या इस मॉलिक्यूल में इंडिविजुअली डायपोल नहीं है? है, लेकिन उसका रिजल्टेंट वेक्टर ओरिएंटेशन की वजह से कितना है? जीरो। ऐसा बहुत सारा मॉलिक्यूल, जैसे देखिए CO2, समझते जाइएगा, जाने समझ आएगा बोलिएगा, क्या तुमको ये याद आ रहा है कि तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो कैसे हो गया? सारी हम कुछ याद दिला, हम आपको कुछ याद दिला, तुरंत याद आया। फिजिक्स में जब वेक्टर पढ़ाया जा रहा था तो आपको एक चीज समझाया गया था कि अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का है और उनके बीच का एंगल 120 है तो रिजल्टेंट वही हो जाता। दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन यू एंड अस, समझ गए? तो देखिए आप भी बैठो, वही है, अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड का है और उनके बीच का एंगल 120 है तो रिजल्टेंट वही हो जाता है, ठीक है। अगर उनके बीच का एंगल 60 हो तो √3 टाइम्स, अगर 90 हो तो √2 टाइम्स, अगर 120 हो तो सेम, अगर सेम डायरेक्शन में हो तो डबल, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो जीरो, करेक्ट। अब देखो यहां क्या हुआ, ये दोनों 120 था, ये दोनों 120 है ना, तो इसका जब तुम रिजल्टेंट लोगे तो वो म्यू ही नीचे आएगा और ये म्यू इस म्यू को कैंसिल कर देगा, रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। वेक्टर याद रहेगा तो समझोगे, नहीं तुम रटोगे कि BF3 में नेट डायपोल मोमेंट जीरो होता है, ऐसा रटोगे, और अगर वेक्टर याद है तो समझोगे। CO2 लिए, इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, SPR, कोई भी नियम से निकालो SPR, ठीक है, वो पढ़ा ना, ½ m + b - c + a, कैसे निकालो SPR, SPR गया तो कार्बन बनाओगे, ऑक्सीजन बनाओगे और ऑक्सीजन बनाओगे और फिर डबल बॉन्ड भी देंगे उसको ऑक्टेट कंप्लीट करोगे, करेक्ट। अब देखो हुआ, कार्बन है पॉजिटिव, ऑक्सीजन है नेगेटिव, ऑक्सीजन है नेगेटिव, सो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या इसका फिर से बोल रहे हो रिजल्टेंट जीरो, तो इसका भी नेट डायपोल मोमेंट जीरो, हम जीरो वाला संज्ञा बना देते, फिर दूसरा नॉन जीरो लेते। अगला देखो,
CH4 tetrahedral, carbon hybridization sp3, hydrogen, कार्बन है नेगेटिव और हाइड्रोजन है पॉजिटिव। अच्छा ये कैसे प्लस और कैसे माइनस लिख रहे हैं, क्या तुमको समझ में आ रहा है? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पे क्या लिख रहा है? प्लस। और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पे क्या लिख रहा है? माइनस। कार्बन और हाइड्रोजन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? कार्बन, तो माइनस। हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, प्लस। ठीक है, अब देखो प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ देख रहा है? ये तीनों मिलके जो रिजल्टेंट तैयार करेगा ऊपर से कैंसिल होगा, फिर से हमारा म्यूनेट का वैल्यू जीरो। ठीक, एक और देखो, सब म्यूनेट जीरो वाला यहां देखो, और ऐसा आएगा तो फिर दिमाग दौड़ाना। क्लोरीन है, कार्बन। अच्छा कार्बन और क्लोरीन कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्लोरीन। तो कार्बन पे पॉजिटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव। तो कार्बन से क्लोरीन की तरफ, करेक्ट, सही। फिर से देखो, तो इस बार ये तीनों मिलकर नीचे क्रिएट करेगा ऊपर से बैलेंस। इसमें क्या था, ये तीनों मिलकर ऊपर क्रिएट कर रहा था, ऊपर से बैलेंस, समझ में आ रहा? तो ऐसे केस में फिर से आप बोलोगे कि सर आपका म्यूनेट का वैल्यू जीरो है, क्लियर? तो ये सब मॉलिक्यूल के पास इंडिविजुअल डायपोल्स है लेकिन उसका रिजल्टेंट कितना है? जीरो। दीज मॉलिक्यूल्स आर सेड टू बी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इनको हम लोग कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू म्यूनेट इक्वल्स टू जीरो, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू म्यूनेट इक्वल्स टू जीरो, समझ में आ रहा? ठीक है, चलो नोट करो यार। एक और है इसी तरह का एग्जांपल है CH2, जैसे CO2 था ना वैसे CH2, S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, इसका भी म्यूनेट जीरो। चलो
हटा दे इसको, हो गया। क्या
अब किसका डायरेक्ट मूवमेंट ज्यादा है? NH3। क्यों NH3? सर सारा का अपवर्ड डायरेक्शन में है सर। हाइड्रोजन का प्लस, नाइट्रोजन का माइनस, हाइड्रोजन का प्लस, नाइट्रोजन का माइनस, प्लस माइनस। तो यहाँ पे डायपोल इधर आया, सही है, और ये तो ऊपर है, सारा का सारा अपवर्ड है, ऊपर जाएगा। लेकिन NF3 में नाइट्रोजन प्लस क्लोरीन माइनस, क्लोरीन के माइनस होने से नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ, नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ, नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ, और या नाइट्रोजन से ऊपर। सो इसका डायपोलमेंट कम है क्योंकि अपोजिट में, इसका डायपोलमेंट ज्यादा है क्योंकि सेम डायरेक्शन में। समझ में आया? क्लियर उधर? NH3 का ज्यादा, NF3 का कम, करेक्ट? ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन। थोड़ा सा आ जाओ बेंजीन पे, बेंजीन का भी क्वेश्चन अच्छा सेट किया जाता है, थोड़ा बेंजीन पे का। पर बेंजीन, ये है बेंजीन, ठीक है। बेंजीन में टोटल 360 डिग्री, 360 समझता है? 36। तो बताओ दो एडजेसेंट कार्बन के बीच का बॉन्ड एंगल कितना? 90। अरे 60, 60 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 फिर ये कार्बन पकड़ता, 60 ही बनेगा। इसको इसको पकड़ेंगे, 60 बनेगा। किसी को भी एडजेसेंट को, अगर बगल वाले को पकड़ लोगे, 60 बनेगा। ठीक बोल रहे? ठीक, तो 60 बात फाइनल हो गया। देखिए यहां पे दो जगह क्लोरीन है, फिर यहां पे भी दो जगह क्लोरीन है, और फिर यहां भी दो जगह क्लोरीन। अभी तुम ही बताओ इन तीनों में सबसे बड़ा डायपोल किसका? सर फर्स्ट वाले का। एंगल सबसे ज्यादा बने फर्स्ट वाले का ज्यादा है, एकदम आप सही है। लेकिन कैसे? ऑक्सीजन तुमको कहाँ? ऑक्सीजन हाँ, तो उससे कार्बन क्लोरीन ज्यादा लगती है, मेरे बहुत उससे लोगों ने भी बहुत मिलता है। हम बोले सर, हाँ बोलो सर, बोलो सर। क्योंकि देखिए दोनों क्लोरीन के बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो सर उसका रिजल्टेंट रूट थ्री, ये मान लीजिए रूट थ्री होगा, और सर सेकंड वाले में 120 डिग्री हो रहा है, तो उसका रूट टू, मतलब केवल ये होगा, और लास्ट वाले में Cl 180 डिग्री पे तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से इधर की तरफ म्यू, यहाँ से इधर की तरफ म्यू, बीच का एंगल 60, तो इसका रिजल्टेंट लोग रूट थ्री भी। ओके, यहाँ पे देखोगे म्यू, इधर देखोगे म्यू, बीच का एंगल 120 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट लोगे तो म्यू ही आया। और यहाँ पे एक ऊपर म्यू और एक नीचे म्यू, और अगर इसका रिजल्टेंट लोगे तो जीरो आया। सही है? तो जब भी आपके पास बेंजीन का स्ट्रक्चर है ना, यू हैव टू प्रोसीड इन दिस। ये एंगल क्या करते हैं? 60 60 काम नोट करो। तो सेंट्रल के साथ से 60 डिग्री बना रहे हैं ना, लेकिन सेंटर में कोई एटम प्रेजेंट नहीं ना रहता। रुक जाओ, होता है ऐसा, होता है, हां होता है ऐसा। ओके सर, देखो नहीं, यहां देखो, इन दोनों के बीच एंगल निकालना कैसे करें? दोनों को पास लेंगे, दोनों को पास लेंगे,
देखो दूसरा मेथड में मेरे सर हमको पढ़ाए तो बोलते ऐसे पढ़ा, तुम्हारे सर ने पढ़ाया ऐसे पढ़ा देंगे तो भी तो जगह कटेगा ना। मान लो हमको इसके और इसके बीच का एंगल चाहिए तो बढ़ा दिए यार सेंटर तक, कुछ नहीं है, है नहीं है इसमें क्या, क्या बोलो समझे? हाँ सर ठीक, नोट करो।